कि मैंने युवा लोगों को बताया कि आप एक सपना दिया, विजन दिया, ड्रीम दिया कि आप जॉब सीकर्स ना बनो, आप जॉब क्रिएटर्स बनो। और थैंक्स गॉड के हम लोग वही पे हैं, हम लोग जॉब क्रिएटर्स हैं आज बहुत सारे लोग। और सही आदमी तो इसी को कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक आदमी मेरे टीम में 2000 रुपए के लिए परेशान था, इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ था, नाम है मिथुन शर्मा, 2 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन करता है और 2 साल बाद जो है वो 2,25,000 रुपए महीने कमाता है। 2,000 बनाम 2,25,000, अगर इसे आज आते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई साहब इंटरमीडिएट पास है, 5,000 रुपए महीने नहीं मिलेंगे, 2,25,000 सिर्फ इतना ही नहीं, 4 देशों की यात्रा 2 साल के अंदर कर लिया। यही प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है वही प्लेटफॉर्म इसी के पास है। हिंदुस्तान के तो सबसे पिछड़े राज्य उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा से आते पटेल आचार्य जी बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, पिछले हम तारकटोरा स्टेडियम में थे, बहुत सारे पंडित थे, 20,000 लोग थे और वहां पर उनको चेक दिया गया, जानते हैं कितने का? भाई साहब जितना जिंदगी में नहीं सोच सकते कमाने के लिए उतने रुपए का चेक था, वो भी कितने का? 1 साल के अंदर का था। और वो चेक का अमाउंट था वो तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा है, 2,25,00,000 के आसपास, 2,25,00,000 रुपए। अरे आज चेक नौकरी करने वाले की जो फर्स्ट क्लास की सैलरी है, कैलकुलेट करिए 30 साल में कितना कमाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, जितना है मल्टीप्लाई कर 12, मल्टीप्लाई कर 13 निकाल लीजिए, 1 साल के अंदर अगर बंदे यहाँ पे कमा रहे तो क्या है? पांडे जी ने सुरेखा जी की बात की, 5.5 करोड़, 2 पीढ़ियां लग जाएंगे भाई साहब, 2 पीढ़ियां, 5.5 करोड़ हमारे घर में नहीं है पास। ये प्लेटफॉर्म है और जहां पे आप आए सच्ची आजादी, सही आजादी अगर मिल सकती है तो यही तो मिल सकती है, क्योंकि हम हैं मोदी के प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वतन की बात हो रही है तो वतन के कुछ फिर एक बार झूल ले हम लोग, तो आइए चलिए एंटरटेन।